ओ तेरी तो अभी धरता हूँ सारे, तो देख मेरी भी हो गई 10 की, और ले का कर लेगा बोल। हीरो बन रहे हो तो मेरे सामने, ओ तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं खुलेआम बैठ के जुआ खेलते हो यहाँ पे हैं, वो भी पैसों से। अंकल जी बात ये है रही, बंद कमरे में ना गर्मी लगती है, इसलिए खुले में खेल रहा हूँ। बदतमीज, तेरे करारों ने सिखाया नहीं है कि कैसे तमीज से बात करते हैं बुजुर्गों से? ऐसो अंकल जी, जो ये ताश बनाने वाली कंपनी है ना, माने जाकर बंद करवाओ, उनको जाके मारो कि ताश ही गड्ढे को बनाती है, आप हमें काहे मार रहे हो? मैं तुमसे शुरुआत कर रहा हूँ आगाज। कमाल है, हमको ढोल समझ रखो है जो हर कोई आके पीट जाता है। कौन आप? बस तुमने विभूति नारायण मिश्रा का नाम सुना है? विभूति विभूति है? हाँ बिल्कुल सुनो है, उन्हें कौन ना जानतो? कानपुर को सबसे बड़ा नल्लो आदमी है वो। अंकल जी आप मार क्यों रहे, हम तो वही बोल रहे जो सचार हुआ है। लेकिन आप इतने चिड़ के रहे हो, आप क्या उनके बापू लगते हो क्या, बाप लगते हो क्या? हाँ मैं विभूति का बाप हूँ, आहुति नारायण मिश्रा। बेवकूफ ना बेटे। अंकल जी माफ कर दो, अंकल जी माफ कर दो। आओ आओ अंकल जी, माफ कर दो, आओ इनके को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ अंकल जी संभाल के। हाँ हाँ देख के बैठो। चलो सेवा करोगे ते, अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं भी दूंगा। चल चल बेटा चल चल, दबाता रहे। वैसे अंकल जी मन में एक सवाल आ रहा है तो पूछूंगा। पूछ मनु सूरत। आपने विभूति भैया को का खाकर पैदा करो तो? चूचूदा मुरब्बा। अंकल जी उन्हें देख के ऐसा लगतो भी है। और मुझे एक बात बताओ है, और मेरे विभूति ने तुम्हारी कौन सी मजगाय खोली है, है जो उसके पीछे पड़ो तुम? जो भी मुझसे मिलता यही पूछता है कि क्या खा के पैदा किया था। अरे मैंने कुछ भी खा के पैदा किया वो मेरी प्रॉब्लम है, है? तुमसे मतलब क्या खा के पैदा किया? सब खा के पैदा करते हैं, क्या खा के पैदा किया? अरे ठहर जा ठहर जा ठहर जा। अरे काय रे लौंडो, का कोतर पांच चल रही है इधर पे? दरोगा जी ये विभूति भैया के पिताजी है रहे। अच्छा चाचा प्रणाम, आप भैया विभूति के पिताजी हो? ओ भगवान ने तेरे मनहूस चेहरे पे दो आंखें भी तो दी ना बेटा, इस्तेमाल कर उसका। हैं देख सेम वी शेप्ड लाइक फादर लाइक सन। हैं तेरे को कोई शक है? ना ना चाचा, हमें कोनो शक ना है गो, बल्कि हमें तो बड़ो विचित्र सु लग रहा है कि आप वो नल्ला के। लीजिए अंकिल नोश फरमाइए। तो क्या बात है कच्चे बनियान, है तू बड़े मेरे गुर्दे से ला रहा है, है? ऐसा है अंकिल जी, देखिए आप हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। बोल। हमने कहा आप हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों का तू तेरा प्यो, मैं नहीं बुजुर्ग, मैं जवान हूं। और सुन मेरे अंदर जवानी कूट कूट के भरी हुई है। जी जी बिल्कुल, हम मानते हैं कि आपके अंदर जवानी कूट कूट कर भरी है। आप बहुत जवान हैं, लेकिन हमारी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप ये जवानी कहीं और जाकर निकालिए ना, हमें बख्श दीजिए अंकल, बख्श दीजिए। तो ये क्या बकवास कर रहा है, ये क्या बकवास की तूने भी? देखिए अंकल जी, साफ साफ शब्दों में कहें तो जब से आप यहाँ आए हैं ना, आपने हमारा चैन हमारा सुकून एकदम मतलब छीन लिया है। हम अब पानी जो है वो नाक के ऊपर तक आ गया, इसलिए हाथ जोड़कर विनती करते हैं जल्दी से जल्दी अंकिल यहाँ से निकल लीजिए, निकल जाइए अंकल। तुझे बड़ी समझ है? ये मेरे बेटे का घर है, तो होता कौन है मुझे इस घर से बाहर भेजने वाला? और मुझे अपने बेटे और बहू से बहुत प्यार है, खास तौर से बहू से तो बहुत ही प्यार है, क्या मेरा दिल ठंडा करती है वो।
यहाँ से जाने के 10,000 लेंगे। ओए, तू मेरे बेटे और बहू की तो कीमत लगा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? 20,000 लेंगे। तू मुझे इतना लालची समझता कि मैं पैसे के लिए अपने बहू और बेटे को छोड़ दूंगा? 40,000 लेंगे। तू ऐसा समझता है? 50,000। चल लेके आ, मैं चला। थैंक यू अंकिल, थैंक यू। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो। हो गए कपड़े इस्त्री? कर रहा हूँ यार, हाथ को मशीन तो नहीं है यार। ये क्या है, ये क्या है? क्या हुआ? ऐसे आयन करते हैं? हाँ, सारी सलवटें वैसी की वैसी हैं, कैसे पहनूंगी ये साड़ी मैं? यार तुम कोई काम ढंग से नहीं करते हो विभू। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं कोई प्रोफेशनल इस्त्री वाला नहीं हूँ। प्लीज विभू, ये बहाने मत मारो। मीनल का हस्बैंड अनुराग, वो भी कोई प्रोफेशनल इस्त्री वाला नहीं है। लेकिन देखो क्या बढ़िया स्त्री करता है वो मीनल की साड़ियां, एकदम कड़क। उसके सामने तो कोई प्रोफेशनल स्त्री वाला भी शर्मिंदा हो जाए। उसी से करा लो ना अपने कपड़े स्त्री, अनुराग से। मैंने अनुराग से शादी नहीं की है। तो क्यों की शादी मुझसे? हाँ, मैं पीछे पड़ी थी तुम्हारे? हाँ, मेरे पीछे कौन इर्द गिर्द घूमता था? हाँ, कौन पिटता था मेरे पापा और भैया से? डायलॉग किसने मारा था कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी, प्लीज मुझे यहां से निकाल लो? आई डिडंट से दैट, यू सेड दैट। कानपुर के भाइयों भाभी जी सुनो, आपके शहर में एक लॉन्ड्री सर्विस खोली जा रही। बाको नाम है, सही पकड़े हैं लॉन्ड्री सर्विस। सही पकड़े लॉन्ड्री सर्विस? भाभी ये जुमला कुछ ज्यादा पहचाना सा नहीं लग रहा। अरे हाँ, ये तो अंगूरी जी का जुमला है ना? अरे हाँ, हम तो भूल गए, तो ये अंगूरी का जुमला है। जा लॉन्ड्री में, आपके कपड़े हाथों से धोए जाएंगे। हमारी प्यारी अंगूरी भाभी आपके कपड़े अपने खूबसूरत हाथों से धोएंगी, और वहाँ कपड़ा पर विभूति भैया इस्त्री करेंगे। भैया जी, जे लो, आप भी आ जाइयो। भाभी जी, आप भी आ जाइयो। तो भाइयों, फिर देर किस बात की है रही, तुरंत अपने गंदे कपड़े उठाओ और पहुंच जाओ हमारी सही पकड़े है लॉन्ड्री में। मकान नंबर 6 और 9, मॉडर्न कॉलोनी कानपुर। सुनो सुनो सुनो, मकान नंबर 6, मकान नंबर 9। अभी जी, कहां तक कहानी पहुंची? हाँ, कितना लॉट हो गया आपका? हाँ, अभी किदवाई नगर का लॉट चल रहा है, उसके बाद जाकर कटी का धोएंगे। आपका कितना हो गया? अभी जी, हमारा भी किदवाई नगर का हो गया, बस जाकर कटी पे लगने वाले हैं। हाँ हाँ, ठीक बा। अरे ओ बैल, हम बोल रहे हैं तुम्हारी अम्मा। अम्मा, आप काहे बोल रही हो? हमने बहुरिया को फोन देना, हमको अपनी बहुरिया से बात करना है। वो कपड़े धो रही है। What is this? I feel irritated. अच्छा अब सुनो, वो मिस्टर गुप्ता जो हैं, वो कल आ रहे हैं हमारे घर में। मेरी ग्रूमिंग क्लासेस की ब्रांचेस और खुलवाना चाहते हैं, उसमें मेरा पार्टनर बनना चाहते हैं। अच्छी बात है, गुड। अरे वो अच्छी बात तो है, तुमने क्या कर रखा है? त्री वाला खोमचा खोल रखा है लॉन में, अब हटाओ उसको वहाँ पर। लेकिन मेरा खोमचा वहाँ से नहीं हटेगा।